मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे क्लास फॉर ये ज्योग्राफी का क्लास है आपका। ये ज्योग्राफी चैप्टर वन, ज्योग्राफी का चैप्टर वन आपका कौन सा, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट क्लास टेन का। ये आपका क्लास आज के जो टॉपिक आप देखेंगे क्या आपका ब्लैक सॉइल। इसके पहले हमने क्या किस पर डिस्कशन किया था, किसके बारे में स्टडी किया था आपका, एलुवियल सॉइल जो काफी आपका उसको दो भागों में बांटा गया, खादर एंड बांगर ओल्ड सॉइल, और सबसे फर्टाइल सॉइल भी आपका अलुवियल सॉइल को कहा जाता है। तो इस तरह से हम चलिए देखते हैं आपका ब्लैक सॉइल का क्या क्या क्वालिटी। तो ब्लैक सॉइल का आल्सो नोन एज रेगुर सॉइल, इसको और भी क्या नाम से जाना जाता है, रेगुर सॉइल के नाम से इसको भी कहते हैं, इसको रेगुर सॉइल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसका देखिए जो किससे बना होता है, इसका जो नेचर होता है, क्ले मैटर, इसके जो फाइन क्ले मैटर इसके अंदर होते हैं, मतलब की चिकनी पदार्थ जो होते हैं क्ले, जो क्या होता है काफी मतलब सूखने पे काफी कड़ा हो जाता है, और जब गीला हो जाता है काफी स्टिकी हो जाता है, इसमें वाटर वेट होता है, बारिश होता है तो काफी स्टिकी चिपचिपा हो जाता है, काफी कठिला हो जाता है, और जब ये सूखता है तो इसमें क्रैक में क्या आते हैं, काफी मतलब डीप क्रैक आ जाते हैं, बड़े बड़े क्रैक गड्ढे हो जाते हैं, जिसमें क्या आता है किसानों का पैर तक उसमें क्या होता है घुस जाता है, और काफी मतलब की उससे बहुत बड़े बड़े क्रैक हो जाते हैं जो जमीनों पे, और इस जब बारिश आता है तो काफी चिपचिपा और मतलब कि ये क्ले जकड़ मतलब काफी कठिला हो जाता है, जैसे कि आटा को जैसे हम गूंथते हैं तो क्या होता है जब काफी स्टिकी होता है, और जब आटा जब सूखता है तो जब क्या होता है काफी उसमें क्रैक आ जाते हैं, जैसे डाव होता है आटा का जो लोहिया होता है डाव जिसे बोलते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है आपका से मेड अप ऑफ किससे बना हुआ, इससे जो बना हुआ आपका क्ले मैटर से बना हुआ, इसको आल्सो ये किस लिए जाना जाता है, ये अपने अंदर ये इसका जो क्वालिटी है इसका क्या कहा है कि फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, ये नमी को क्या करता है काफी लंबे समय तक अपने अंदर बना के रखता है। जो ब्लैक सॉइल है या रेगुर सॉइल है ये क्या करता है, इस पे अगर बारिश भी नहीं होता है लंबे टाइम तक, ये क्या करता है फसलों को मतलब कंजर्व उसको प्रिजर्व करते रहता है, उसको रूट्स को ये वाटर पहुंचाते रहता है, जिससे फसल मतलब इसमें ग्रो करते हैं। तो काफी जैसे इसमें क्या होता है ये इसका जो अलग फीचर क्या है, ये किस लिए जाना जाता है अच्छी तरह से, फॉर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। तो आगे देखते हैं ये आइडियल फॉर कॉटन, इसको ये कॉटन के लिए क्या है सबसे आइडियल आपका क्या है सॉइल है, इसके इसलिए इसको क्या कहा जाता है, और भी कॉटन सॉइल भी इसे कहा जाता है। तो इसका देखिए जैसे कि आपका देखेंगे इसमें क्या है जो आइडियल सॉइल, आइडियल किसके लिए है, ये कॉटन, जो कॉटन और सुगर के जो आपका मेनली जो जो दो तरह के फसल होते हैं, ऐसा नहीं आपका कहने का मतलब सिर्फ कॉटन के लिए आइडियल है तो सिर्फ कॉटन होगा, और भी बहुत सारे आपके जो ओनियन है और बहुत सारे टाइप के क्रॉप इसमें उपजाया जाते हैं जो सीजन, लेकिन मेनली जो फेमस किसके लिए कॉटन, इसमें बहुत अच्छे तरीके इस तरह के सॉइल में बहुत अच्छे तरह से ग्रो करता है। तो इसमें चलिए और देखते हैं आपका इसका नेचर क्या है, ब्लैक सॉइल का जो नेचर कैसा होता है। तो इसका जो नेचर आपको बता चुके हैं कि जब वेट होता है तो काफी स्टिकी हो जाता है, जब इस पे बारिश या इसको इरिगेशन किया जाता है या तो जब वाटर आता है तो ये काफी स्टिकी हो जाता है, और जब ये सूख जाता है सनी डेज में जब गर्मी के दिनों में जब सूखता है तो मतलब डीप क्रैक बड़े बड़े और गहरे गहरे गड्ढे क्रैक इसमें दरार आ जाते हैं, तो जिससे क्या होता है लेकिन क्या है वर्क वेट, लेकिन जब भी इस पे कल्टीवेट किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि क्रैक आ गया तो उसपे क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, तो वहां पे भी क्या होता है उसपे कल्टीवेट किया जा सकता है, कैन बी वर्क वेट कल्टीवेट। तो आगे देखते हैं फाउंड ये जो आपके जो इस रीजन में ज्यादा पाया जाता है, ये मेनली आपके देखिए गुजरात के कुछ पार्ट में, नीचे महाराष्ट्र और आपके एमपी और छत्तीसगढ़ के कुछ एरिया में, ये जो आपका साउथर्न प्लेटिन पे ज्यादातर ब्लैक सॉइल आता है, जो उसमें कौन कौन रीजन आता है, महाराष्ट्र का टोटल रीजन आ जाएगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका, तो ये सारे इसके लोकेशन एक आता है मालवा का पठार जो आपके साउथ पठार जिसे बोलते हैं, और इसी सारे जो होते हैं आपके आया करते हैं। तो इसमें देखेंगे क्या कि ज्यादा जो आप किस पार्ट में साउथर्न पार्ट में आता है, जो साउथर्न प्लेटिन है आपका उसमें जो कौन कौन से स्टेट में आता है, छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, फिर एमपी है आपका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है और मालवा का पठार, ये सारे जो रीजन है आपके यहाँ पे क्या आएगा ये आपका ब्लैक सॉइल। अभी हमने पढ़ा था कि क्या आपका जो एलुवियल सॉइल था वो क्या गुजरात और ये आपके पंजाब और साउदर्न जो हिमालय के नीचे के एरिया है जो आपका नॉर्दर्न प्लेन में पाए जाते हैं, और इसमें आप आगे देखेंगे हम इसमें जो आपके
कौन कौन से कंटेंट है, जैसे इसमें जो सॉइल है इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जिससे इसको फर्टिलिटी और ये क्रॉप के लिए सुटेबल होता है। तो इसमें जो कंटेंट है आपका मेनली कैल्शियम कार्बोनेट होता है, एक पहला जो कंटेंट आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटासियम होता है और लाइम होता है। इसमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं आपका, मैग्नीशियम होता है, पोटासियम और लाइम होता है। तो इसमें और देखते हैं इसका जो फॉर्मेशन होता है किस पे डिपेंड होता है, जब ये न्यू तरह के भी सॉइल इसमें मतलब फॉर्म लेते हैं, जैसे नया फॉर्मेशन भी होता है, सॉइल का जो फॉर्मेशन मेनली होता आया या हो रहा है वो कैसे हो रहा है, जिसका क्लाइमेटिक कंडीशन, जो प्लेटी और पठार का जो एरिया में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है और उसका जो जैसे कि डक्कन प्लेट्यू क्या है मेड अप ऑफ, जो बेसाल्ट चट्टानों से जो टूट टूट करके आता है, जो क्लाइमेट और टेम्परेचर और क्लाइमेट कंडीशन, जो बेसाल्ट चट्टाने हुआ करती है, रॉक्स होते हैं वो काफी लंबे समय तक टूट कर इससे इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये जो फॉर्मेशन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, क्लाइमेटिक कंडीशन और उसके बेसाल्ट मेड अप ऑफ बेसाल्ट चट्टानों से टूट कर बना होता है, ट्रैप होता है उससे बेसाल्ट चट्टानों से बनता है। तो ये तो आपका ब्लैक सॉइल था, इसमें क्या क्या आपने पढ़ा, इसका नेचर कैसा है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और इसका जो कंटेंट है इसमें क्या क्या है और ये इसका लोकेशन कहाँ कहाँ पे कौन कौन से स्टेट में पाया जाता है। मैंने इसमें चार बातें आपको याद रखनी है, और इसको जो रेगुर सॉइल भी कहा जाता है, और ये जो मेड अप ऑफ ये फाइन क्ले मैटर होता है, क्ले मैटर होता है मतलब कि मिट्टी का जो मैटर होता है वो काफी फाइन होता है, और इसमें जो किस लिए जाना जाता है, कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। तो एंड आइडियल फॉर आपका कॉटन, और इसलिए इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। लास्ट आपका दीज आर स्टिकी वेन वेट एंड दीज आर वेरी डीप क्रैक वेन हॉट, जब ये सनी डेज में सूख। तो आगे देखते हैं पॉन्ड ये कहाँ कहाँ पाया था, जो सदर्न प्लेट्यू है आपका लाइक महाराष्ट्र और महाराष्ट्र का एमपी, छत्तीसगढ़ और आपका मालवा का पठार, ये सारे रीजन में लोकेशन इसका पाया जाता है आपके भारत में। और कंटेंट इसका है कैल्शियम कार्बोनेट, पोटासियम, मैग्नीशियम और आपका लाइम, और इसका ये फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्लाइमेटिक कंडीशन और डक्कन प्लेटी उसे बेसाल्ट चट्टान होती है, इसीलिए प्रोसेस होता है काफी लंबा होता है, जैसे आप जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब आपका रॉक से रॉक टू सॉइल में जब होता है, तो ये काफी लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो इसको ये हमारे एक रिसोर्स होता है सॉइल भी। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल देखते हैं क्या क्या है, क्या रेड सॉइल एंड आपका रेड सॉइल है और आपका क्या है येलो सॉइल है। तो येलो सॉइल इसके पहले हमने ब्लैक सॉइल को देखा, तो इससे देखते हैं इसका फॉर्मेशन फर्स्टली देखते हैं कैसे होता है। जो येलो सॉइल का फॉर्मेशन इसका निर्माण होता है किस तरह रूप में होता है, जैसे क्रिस्टलाइन ऑफ इग्नियस रॉक्स इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल, जहां पे एरिया जो जहां पे क्या होता है लो रेनफॉल होता है या पहाड़ी क्षेत्र है, उस एरिया में क्या होता है इग्नियस रॉक का जब टूटते हैं क्रिस्टलाइन छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूटते हैं तो उससे इसका फॉर्मेशन होता है। जैसे इग्नियस रॉक से जब क्या टूटता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, या फिर आपके दूसरे रॉक का फॉर्मेशन होता है इग्नियस रॉक से, सबसे जो मेन रॉक आपका सबसे ज्यादा इग्नियस रॉक ही होता है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, क्रिस्टलाइन ऑफ इग्नियस रॉक्स इन एरिया, किस एरिया में ऑफ जहाँ पे लो रेनफॉल होता है। तो आगे देखते इसका लोकेशन इन आवर कंट्री में वेयर है, कहाँ पे है। तो आवर कंट्री में जो आपका साउथ ईस्टर्न पार्ट है आपका एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, सच लाइक आपका अरुणाचल प्रदेश और असम का जो एरिया है वहां पे आपका ईस्टर्न पार्ट हो गया आपका आवर कंट्री का, और साउथ और ईस्टर्न पार्ट जहाँ पे केरला और ये तमिलनाडु, केरला और जहाँ पे जो कर्नाटक का एरिया है वो आपका साउथ और ईस्टर्न पार्ट हो गया, तमिलनाडु साउथ भी है और ईस्टर्न भी है। तो केरला और तमिलनाडु जिस सारे एरिया में आपका ये जो रेड सॉइल पाया जाता है, इसका जो कलर भी क्या होता है रेडिश और येलो कलर का भी एक जो सॉइल हुआ करता है। तो इसका जो कलर क्या होता है रेडिश और येलो हुआ करता है, और इसका जो कंटेंट इसमें जो क्या होते हैं, जो मेनली जो कंटेंट इसमें होते हैं आपके क्या होते हैं, जो कंटेंट होता है वो इग्नियस रॉक से ही बना होता है। तो इसमें इग्नियस रॉक की कंटेंट होती है, विद आयरन, इसमें क्या होती है आयरन इसमें हुआ करता है, ठीक है। तो आयरन होता है, और इसका जो क्रॉप का जो क्या क्या मेनली जो क्रॉप होते हैं, इसमें कौन कौन से क्रॉप हुआ करते हैं, प्लांटेशन जो खेती होता है किसका, टी कॉफी और रबड़ का। तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि आपका टी कॉफी कौन से स्टेट में होता है, तो उस स्टेट में क्या कौन सा सॉइल रहेगा आपका, रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल में कौन सा होता है, टी और कॉफी होता है, जैसे कि आप ब्लैक सॉइल में देखिए कि आपका क्या होता है,
ब्लैक सॉइल में आपने देखा कि क्या आपका कॉटन होता है, उसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, उसको रेगू सॉइल भी कहा जाता है। उसी तरह से आपने एलोवेरिया सॉइल में उसका क्रॉपिंग क्या था, उसमें पल्स और सीरियल्स और बीट ये सारे हुआ करते। तो पंजाब हरियाणा और यूपी में ये सारे में क्या होता है, बीट और सीरियल होता है, उसको आपका सारा रीजन एलोवेरिया सॉइल हो गया। तो इसको देखते हैं आपका, जैसे कि आप इस तरह से समझ सकते हैं क्रॉपिंग, जहाँ पे किस फसलों की कौन सा स्टेट में ज्यादा होती है, तो उस फसल में कौन सा, उस एरिया में कौन सा सॉइल होगा। तो सॉइल के भी ज्यादा जो कौन कौन सा सॉइल किस सॉइल को क्रॉपिंग को ज्यादा डेवलप करता है, उसको सर्टेन मतलब उसको बनाया रखता है, ज्यादा ग्रो करता है, ग्रोइंग होता है, या किसका क्रॉपिंग ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आपका रेड और सॉइल, रेड और ब्लैक सॉइल हो गया। और इसके बाद हम नेक्स्ट वाले जो आपके सॉइल है, आपका लैटराइट सॉइल है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।